दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि एक्सेल पे डेटा एंट्री वर्क कैसे करते हैं और इस पे एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे हम लोग, रिजल्ट कैसे क्रिएट करते हैं। रिजल्ट में ही आप लोग को मिलेगा कि डेटा एंट्री वर्क का क्या काम है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना ये एक्सेल खोल लेते हैं। ठीक है, एक्सेल में क्या है कि आपको यहाँ पे हमें क्रिएट करना है एक डेटा एंट्री के लिए हमें क्रिएट करना होगा एक सीट। तो हम यहाँ से एक नया सीट ले लेते हैं, इसमें किसी स्कूल का नाम ले लेते हैं। आपको एंट्री करना है तो किसी स्कूल का एक नाम ले लीजिए क्योंकि उसी पे आपको एंट्री करना है। तो हम यहाँ पे एक स्कूल का नाम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मोहन नारायण स्कूल हमने यहाँ पे नाम ले लिया। उसके बाद है क्या कि हम इसमें एंट्री करेंगे, मतलब पहले टाइटल लगाएंगे इसमें, सीरियल नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, यहाँ पे हो गया नेम, यहाँ पे हो गया फादर नेम, यहाँ पे हो गया क्लास, यहाँ पे हो गया आपका रोल नंबर, यहाँ पे हो गया आपका जो भी सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे क्या है कि आप सब्जेक्ट लिखना भूल गए हैं क्योंकि हम नीचे जो लिखेंगे उसमें लिखेंगे हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, और जो ऊपर हमको चाहिए था ऊपर में इधर में हमको एक सब्जेक्ट टाइटल चाहिए था। ठीक है, तो वो यहाँ तो जगह है नहीं, हमें वो कैसे लाना है। तो आप अगर इस तरह के सिचुएशन में पड़ जाइएगा तो आपको क्या करना है कि कैसे इंसर्ट करवाना है। अगर रो चाहिए तो रो इंसर्ट कैसे होगा, कॉलम चाहिए तो कॉलम इंसर्ट कैसे होगा। तो सिंपली हमें क्या चाहिए, रो चाहिए तो रो इंसर्ट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जहाँ से हमको लिखना है उसके ऊपर हमें लिखना है। ठीक है, तो हम उसके जो लाइन चाहिए जिसके ऊपर चाहिए वो लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे रो को। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर हमारा रो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब उसके नीचे हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हिंदी लिख दिए, यहाँ पे इंग्लिश लिख दिए, यहाँ पे मैथ लिख दिए, यहाँ पे संस्कृत लिख दिए, SST कर दिए, SC कर दिए, संस्कृत कर दिए, मतलब जो भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट देना, GK PK इंग्लिश कंप्यूटर जो लिखना है यहाँ पे आप लिख दीजिए। हम यहाँ पे आप टोटल दे देते हैं। ठीक है, इतना ही सब्जेक्ट है मेरे स्कूल में तो इतना दे दिए, टोटल दे दिए। अब हमें लिखना है यहाँ पे परसेंटेज कितना आए, उसके बाद यहाँ पे लिखना है पास और फेल। तो हमने ये एंट्री ये टाइटल बना लिया। अब हमें एंट्री कैसे करना है इस तरह से, तो सबसे पहले क्या के? पहले इसको हमको एक डिज़ाइन में तैयार करना है, एक फॉर्मेट में बनाना है ताकि देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे आपने देखा तो कि स्कूल का हमने नाम लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर सीरियल नंबर में ये सब नाम लिखा। तो हमें इसे एक डिज़ाइन तैयार करना है, एक अच्छे तरीके से इसको लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका जो ऊपर वाला है यहाँ से यहाँ तक का मर्जिन सेंटर करेंगे, सेल को तोड़ेंगे। मर्जिन सेंटर का काम होता है सेल को तोड़ना। आपने यहाँ पे मर्जिन सेंटर किया, सेल टूट गया। ठीक है, अब इसका हम साइज़ बड़ा करेंगे, बोल्ड यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से साइज़ मिला लीजिए जितना बड़ा करना है वहाँ से। अब हम इसको टेक्स्ट कंट्रोल जेड, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये जो लिखे हैं उसको हम थोड़ा कैपिटल लेटर में कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन पे देखते रहिएगा कि कैसे कैसे वर्क होता है। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को भी सेम उसी तरह से करना है, हमने सब्जेक्ट को ये किया, उसके बाद फिर इसे मर्जिन सेंटर किया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, बोल्ड कर देना है। ठीक है, तो आप एक अच्छे तरह के से बनाइएगा, डेटा एंट्री को खींचिएगा, वो देखने में अच्छा लगेगा और जिसको दीजिएगा उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्रिएट किया, ये डिज़ाइन तैयार किया। अब यहाँ पर टाइटल्स हैं, इनको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्टकट के कंट्रोल भी मारिएगा, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है क्या कि आप यहाँ से बॉर्डर लगाना है हमें। हम यहाँ से क्या किए, सबको सेलेक्ट किए और यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक किए तो ये देखिए इस तरह से कुछ बॉर्डर बन गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप अब देखने में लग रहा है कि हाँ ये अच्छा फॉर्मेट है, अब इस पर काम हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं, तो एक तरीका तो है कि इस तरह से आपने टाइटल किया, अब एंट्री करना है। जैसे सीरियल नंबर हमने लिखा, नेम लिखा, नेम हमने लिख दिया कुछ भी, राहुल कुमार लिख दिया, फादर नेम मोहन प्रसाद हमने लिखा, क्लास क्या है, क्लास हमने लिख दिया 1, उसके बाद रोल नंबर इसका लिख दिया हमने, ये हिंदी में इतना आया, इंग्लिश में इतना आया, मैथ में इतना आया, SST में इतना आया, इसमें इतना आया, इसमें इतना आया।
ठीक है, हमने फिल कर दिया इसका कि कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना आया, सारा चीज़ हमने फिल कर दिया। अब क्या है कि इसका टोटल निकालेंगे हम कैसे। टोटल निकालने के लिए हम कल भी बताए थे कि किस फार्मूला का यूज होगा। आपको जोड़ने के लिए जो फार्मूला का यूज होता है आप इसमें सिंपली यूज कर सकते हैं, जो ऐड करने के लिए ऐड आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ सम लिखेंगे उससे ऐड करेंगे, बहुत तरीके से जो आपको आता है वो सारा का सारा तरीका इसमें करके ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड करेंगे इक्वल टू लिखेंगे, और हाँ इक्वल टू आपको लिखना ही लिखना है। कोई भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो उसमें इक्वल टू का यूज होगा ही होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा कोई फंक्शन। हमने इक्वल टू लिखा, अब इसमें क्या करना है कि लिखेंगे सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक कि आप वर्ड को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं किस में, ई फोर से लेके के फोर तक को। तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं ई फोर प्लस के सेमीकोलन के फोर, या फिर आप यहाँ से एरो लेके जाइए, लेफ्ट एरो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट के साथ राइट एरो क्लिक कीजिए और सेमीकोलन ब्रैकेट बंद कर लीजिए। तो ये क्या होगा कि ये पूरा का पूरा आप इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एक तरीका हो गया इस तरह से ऐड कीजिए, या फिर सेलेक्ट कीजिए सबको, यहाँ से प्लस कर दीजिए सब में। तो ये हो गया थोड़ा लंबा प्रोसेस, प्लस प्लस हम करते चल गए इसमें, प्लस प्लस हम इस तरह से करके ऐड कर दिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी जोड़ लीजिए, सम से जोड़ लीजिए, मतलब जैसा एक तरीका और है शॉर्ट पूरा, वो शॉर्ट है कैसे। आप यहाँ पे क्या कीजिए कि ये सब को जो भी है आपका उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए सिंपल, और जो जिसमें जोड़ना है वो टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऑटो सम है, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा पूरा। अब निकालना है हमें परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो आप इस तरह से टोटल को इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज कैसे क्रिएट करें। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जितना सब्जेक्ट का है टोटल जो आया उसमें आपको डिवाइड कर देना है, जितना सब्जेक्ट रहेगा उसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। इक्वल टू आप यहाँ पे लिखिए, उसके बाद जो टोटल है उसमें डिवाइड कीजिए जितना सब्जेक्ट है, फाइव, तो फाइव से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे आपका परसेंटेज निकल गया। तो आप इस तरह से टोटल निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब आते हैं पास एंड फेल कैसे क्रिएट करें। पास एंड फेल क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन फार्मूला का यूज करना होगा। जैसे कि हमने सीखा सम, परसेंटेज, इनटू, डिवीज़न कैसे निकलता है, अब हम सीखेंगे इफ़ कैसे, इफ़ का यूज कैसे करते हैं, इफ़ फंक्शन का। इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर ये नहीं तो कुछ और हो, वो नहीं तो कुछ और हो, तो इफ़ कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप इक्वल टू लिखिए, इफ़ फंक्शन का यूज कीजिए, और इसके पहले हमें बनाना है डिवीज़न, क्योंकि परसेंटेज तो निकल गया, अब हमें डिवीज़न क्रिएट करना है। तो डिवीज़न कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हमें कॉलम चाहिए था, तो हम पहले कॉलम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, एक मेरा कॉलम आ गया, इसको हम कर देते हैं डिवीज़न। डिवीज़न कैसे क्रिएट करें, तो इक्वल टू यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसमें इफ़ का फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले तो डिवीज़न हमने लिखा, डिवीज़न के बाद हमें स्टार्ट, डिवीज़न निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू इफ़ फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। हम इक्वल टू इफ़ फंक्शन कर दिए, अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है कि इसमें क्या हो, डिवीज़न में क्या होता है कि या तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है, ठीक है। तो हमें यही लॉजिक इसमें काम करवाना है कि अगर लड़का, कोई भी लड़का है जिसका 60% से ऊपर नंबर हो फर्स्ट है, 60% से कम हो तो सेकेंड है, या उससे कम हो तो थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वही फंक्शन यूज करना है, तो हम लगा दिए इफ़ फंक्शन। अब इफ़ काम कैसे करेगा, तो वो चलिए, तो इफ़ लगाएं किस में, परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में इसमें यानी एम फोर में ग्रेटर देन क्या हो, ग्रेटर देन 60 हो, मतलब कि 60% से अगर ऊपर है तो लड़का फर्स्ट हो जाए। हमने ये फंक्शन इसमें लिख दिया कि अगर ये 60% से ऊपर हो तो फर्स्ट हो जाए, नहीं तो क्या हो, सेकेंड फंक्शन लगाएंगे। अब इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर अगर, अगर क्या हो, अगर ये नहीं तो, अगर ये 45 हो, अगर 45 हो इसमें तो ये क्या हो जाए, सेकेंड हो जाए, ठीक है। इसमें क्या लिखना कि अगर 60% से ऊपर है तो फर्स्ट, अगर उससे, अगर 45 से ऊपर है तो सेकेंड। अब हम करते हैं क्या कि अगर नहीं, तीनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, 30 से ऊपर है तो क्या हो। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ़ फंक्शन, उसके बाद क्या, परसेंटेज में 30 से ऊपर हो तो क्या हो जाए, थर्ड हो जाए,
ठीक है, हमने तीनों फंक्शन का यूज किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 60 से ऊपर हो तो फर्स्ट, 45 से ऊपर हो तो सेकेंड, 30 से ऊपर हो तो थर्ड। अब हम जितना बार कॉल के ब्रैकेट ओपन किए थे उतना बार ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 1 2 3, 3 बार ओपन किए थे 3 ऑफ हो गया, अब इंटर करेंगे तो ये क्या आया लड़का, फर्स्ट डिवीजन आया। अब इसको आप चेक कैसे कीजिएगा, जैसे मान के चलिए हम किसी सब्जेक्ट में इसका हम जो परसेंटेज उसको डाउन करते कम कर देते, जैसे इसमें है क्या 30 कर दिए, इसमें हम कर दिए, इसमें भी 30 कर दिए, इसमें भी 30 कर दिए, इसमें भी 30 कर दिए, ये देखिए सेकंड डिवीजन हो गया, परसेंटेज 50 है, डिवीजन सेकंड है, टोटल नंबर 250। तो हम क्या फंक्शन लगाए थे कि 60 से ऊपर हो तो फर्स्ट हो, 60 से नीचे रहेगा तो वो सेकंड हो जाएगा, यानी 45 से ऊपर हो तो सेकंड हो, तो सेकंड आ गया, या 45 हो तो वो भी सेकंड आएगा, अब उससे कम रहेगा, 45 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये लॉजिक मेरा जो है फंक्शन काम कर रहा है अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका डिवीजन सेकेंड है, परसेंटेज फर्स्ट है, टोटल भी निकल रहा है, फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल कर देते हैं जैसे था, फर्स्ट डिवीजन आ गया। अब इसी तरह से हमें निकालना है पास और फेल को, तो सेम यही फंक्शन क्या यूज करेंगे कि हम पास फेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, क्या इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, पास फेल में है क्या कि आपको सब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जाना है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या, अगर हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी में 30 से कम नंबर लाएगा तो लड़का फेल है, 23 से ऊपर है तो लड़का पास है। चलिए स्टार्ट करते कैसे यूज करेंगे, इफ अगर हिंदी में क्या हो कॉमा, सॉरी लेस देन 30 हो तो फेल हो जाए, ठीक है। मतलब क्या कि 30 से अगर कम नंबर है तो वो फेल हो जाए, नहीं तो पास होगा। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा हम लगाते हैं दूसरा ये सेक्शन में सब्जेक्ट में, इसमें क्या हो 30 से कम हो तो फेल हो जाए। तो आप इस तरह से फंक्शन यूज करके सब में लगा सकते हैं। हम स्टार्ट कर हम कर लेते हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, 30 हो तो क्या हो जाए, फेल हो जाए, फिर लगाएं, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसमें लेस देन 30 हो तो फेल हो जाए, फिर इसमें इफ ब्रैकेट स्टार्ट, आपको इसी तरह से सब में करना है, ठीक है। फेल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें कॉमा 30 हो तो फेल हो जाए, ठीक है। अब बच गया लास्ट वाला कॉमा, इसमें हम कर दें इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें भी वो सेम वैसे ही 30 हो तो क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो आपने कर दिया कि 30 हो तो फेल हो जाए, 30 से कम हो तो फेल हो जाए, अगर सब सब्जेक्ट में 30 से ऊपर हो तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पर तो आपने लिख दिया कंडीशन कि 30 हो तो फेल, अब यहाँ पे लिखेंगे अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाए, ये पास हो जाए, हमने ऐसा लिख दिया। अब जितना बार आपने ब्रैकेट ओपन किया था उतना बार आप ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, हमने बंद कर दिया 5 बार, ओपन किया था 5 टाइम बंद किया। अब देखिए कि ये क्या है, पास आ गया, इसका रिजल्ट जो आया वो पास है। कैसे पास है कि इसका डिवीजन भी सही है, परसेंटेज भी सही है, और सब सब्जेक्ट में 30 से ऊपर नंबर है। अब मान के चलिए कि किसी एक सब्जेक्ट में हम 29 नंबर इसको देते हैं लड़का को, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका नंबर भी सही है, परसेंटेज भी सही है, डिवीज़न भी सही है, लेकिन फेल है। क्यों फेल है, तो इसको एक सब्जेक्ट में 29 नंबर ही आया, ठीक है। तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट अपने स्कूल के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, या कहीं भी किसी भी तरह से आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस फंक्शन का यूज करके कहीं भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन आप समझिए, यूज कीजिए और देखिए कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब हम ये तो हो गया आपके पहला कि आप इस तरह से डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं, आपने सीखा कि कैसे इफ फंक्शन का यूज किए, हमने परसेंटेज निकाले, टोटल निकाले, सम ऑटो सम का यूज किए, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसा प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि सिंपल एक डेटाबेस डेटा एंट्री तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है क्या कि आप जो टाइटल लिख रहा है आपका, इस टाइटल सबको सेलेक्ट कर लेंगे, हम इसको एक फॉर्मेट में बना देंगे कि आपको सिर्फ एंट्री करना है, उसमें बना बनाया हुआ सब चीज़ रहेगा, आपको सिर्फ एंट्री करना है, वो इसमें एंट्री अपने आप लेते चला जाएगा। फॉर्म टाइप का हम बनाएंगे इसमें कि सिर्फ आपको उसको फिलअप करना है और यहाँ पे ये फिल होते जाएगा। तो उस तरह से कैसे करेंगे एंट्री, तो हमने टाइटल सबको जो टाइटल था वो सारा का टाइटल को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। करेंगे क्या कि यहाँ पर जाएंगे
होम मेनू में एक्सेल ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कस्टमाइज का ऑप्शन। कस्टमाइज में यहाँ पे आइएगा तो कमांड्स नॉट द रिबिन आएगा, इन द रिबिन इसमें आप जाइएगा तो यहाँ पे सर्च कीजिएगा फॉर्म, फॉर्म यहाँ पे सर्च कीजिए फॉर्म। ये जो फॉर्म है आपका इस तरह का फॉर्म, आप इसको क्लिक कीजिए यहाँ पे, ऐड कर लीजिए और ओके कीजिए। देखिए मेरा ऑलरेडी ऐड है तो हम छोड़ देते हैं इसको, ऐड कीजिए ओके कीजिए, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में आइकन में। तो ये क्या करेगा यहाँ पे बन के, ये आपको इस तरह से बन के आएगा, जो भी आपका टाइटल है इसमें टाइटल शो करेगा, आपको सिर्फ फिलअप करना है। हमने तो एक एंट्री कर लिया था, ठीक है, हम अब नया करेंगे तो न्यू पे क्लिक किए। अब सीरियल नंबर हमने लिख दिया 2, नेम क्या है, नेम हमने कुछ डालना है इसमें, डाल दिए हमने मोहन डाल दिए। फादर्स नेम क्या है, फादर्स नेम डाल दिए यहाँ पे। क्लास क्या है, क्लास डाल दिए। रोल नंबर क्या है, रोल नंबर डाल दिए। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम डाल देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी करके डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे टोटल परसेंटेज डिवीजन निकालना पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। न्यू देखिए यहाँ पे जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका एक एंट्री हो गया। तो आप सिंपली वहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। वहाँ से एंट्री करने का यही मोटिव था कि डेटा एंट्री वर्क आप वहाँ से करिएगा, क्योंकि उसमें है कि आपका पूरा बना हुआ रहेगा, सिर्फ उसमें टाइप करना है और यहाँ पे एंट्री होते जाएगा, टाइप करना है एंट्री होते जाएगा। और इसमें क्या है कि आपको एंट्री करना है बैक टैप टैप मार के आगे की ओर जाना है। तो आप दोनों तरीकों से आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस जो भी वर्क करता है, डेटा एंट्री वर्क करता है, वो सिंपल वही है, आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए टाइटल को, वहाँ से जाके एंट्री कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारा जो ऑप्शन अभी यूज किया आपने, ये सारा ऑप्शन का आप फिर से यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए समझिए सीखिए कि कैसे कैसे हम वर्क कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए वीडियो में।